अब समाचार विस्तार से। भारतीय मजदूर किसान महासंघ ने सोमवार को खरगोन में महापंचायत की। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने किसान बिल का जमकर विरोध किया। सोमवार को खरगोन जिला मुख्यालय स्थित स्वर्गीय गजानंद सोनी प्रतिमा के समीप किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय मजदूर किसान महासंघ के बैनर तले महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने संबोधित करते हुए महापंचायत में मौजूद सैकड़ों किसानों से कहा कि सरकार के तीनों कृषि कानून पूंजीपतियों के हितैषी हैं। प्रदेश महामंत्री आदरणीय गोटी जी, ठाकुर साहब, अध्यक्ष जिनकी ये सीमाओं में आज महापंचायत हो रही है, धीरज जी मिश्रा जिला मंत्री, और जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जिनको दो तीन बार सुनने के बाद आपको आएगा समझ में, और रिकॉर्डिंग करके फिर अपने साथियों को बताइए कि तीन काले कानून में है क्या, सरकार भ्रम फैला रही है। मैं आपको शुरू से बताऊंगा, काम की बात पे ज्यादा ध्यान देना। अब मैं बता रहा हूं कि एक काले कानून आए क्यों किसानों को, फिर हम विचार करेंगे। अब चूंकि हस्ताक्षर 2015 फरवरी में हमारी सरकार ने किए, तो हमारे एरिया में ये माड़वा है, निमाड़ प्रांत का एरिया है, हमारे एरिया में बोलते हैं गाय बैल भैंस मर जाती है तो उसको ढोर बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? डोरी बोलते हैं। हमारे जमाने में जब ढोर कोई मर जाता था तो चील और कौवे उसका मांस खाने के लिए आसमान में मंडराते थे। मंडराते नहीं मंडराते। तब जब ये कानून में हस्ताक्षर हो गए तो अडानी अम्बानी जैसे चील कौवे किसानों का मांस नोचने के लिए तैयार हो गए। और जो कानून बना है वो अडानी अंबानी को फायदा कैसे पहुंचे इसके लिए कानून बना है। दो आदमों के पीछे देश की 110 करोड़ जनता का सरकार खून चूसना चाहती है। कानून में पहले कानून में क्या है ये आप समझ लीजिए। पहले कानून में प्राइवेट मंडियां होगी जिनको सरकार जगह देगी। प्राइवेट मंडी में व्यापारी प्राइवेट होगा और उस व्यापारी पर कोई लाइसेंस नहीं होगा। बगैर लाइसेंस के वो आपका माल खरीदेगा, केवल एक पैन नंबर होता है इनकम टैक्स का, वो होगा उसके पास। अभी मध्य प्रदेश में 90 व्यापारी करीब करीब करोड़ों का माल लेके भाग गए और किसान उनको कहां पकड़ेगा। प्राइवेट मंडी में सबसे पहले बेईमानी होगी। खरगोन में महापंचायत के पूर्व किला परिसर से सभा स्थल तक किसान रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में जिले भर से आए किसानों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में जिले का यह दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन था। हालांकि खेती का इलाका होने के बावजूद क्षेत्र में विरोध का व्यापक असर नहीं दिखाई दे रहा। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।